तो आपको मजा मालदीव में भी आएगा। लेकिन आपके लिए इसके क्या मायने सुरेश भाई, आज भले ही टीम के साथ आप नहीं है लेकिन दिल तो उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इमोशनल मोमेंट है एज राइडू सेड, क्योंकि हम काफी साल खेले हैं। जिस तरह से राइडू ने परफॉर्मेंस किया, जैसे सामने पूछा ना कि ये कब आपके लिए सबसे यादगार लम्हा कौन सा है, उन्होंने कहा मुझे सबसे ज्यादा खुशी रविंद्र जडेजा ने विनिंग शॉट को मारा, कि जिस तरीके से वो चाहते थे टीम को जिताना, छक्का मारा, चार अच्छा डॉट बॉल डाला मोहित शर्मा, उसके बाद जो एक रनिंग लैप उन्होंने विनिंग लैप जो किया, आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त है। वो देखिए ड्रेसिंग रूम में जडेजा को गले लगाया एमएस धोनी ने, वो कितना बड़ा मोमेंट है, पूरा हिंदुस्तान उनको चाह रहा था, पूरा जियो सिनेमा जिस तरह से कवरेज कर रहा था, हर ग्राउंड पे येलो कलर, और ये देखिए रविंद्र जडेजा ने सर रविंद्र जडेजा वाला काम किया है। जय माता दी बाबू। पिछले साल कप्तान थे, कप्तानी उस हिसाब से गई, उसके बाद आगे इस तरीके से ये करना, ऐसे मौके पे अपने अपनी छाप छोड़ देना टाटा आईपीएल में, एक तरफ हम वो कहते ना एक तरफ हर्षर उल्लास है और दूसरी तरफ चेहरे उल्लास है, कुछ इस तरह के सीन्स आपको हमेशा टाटा आईपीएल के फाइनल में मिलेंगे, क्योंकि इस तरह का टूर्नामेंट है, ये दुनिया की सबसे टफेस्ट जो है क्रिकेट लीग कहलाई जाती है, क्योंकि ये अंत तक एंटरटेन करके दिखाती है भारतीय को। और मोहित शर्मा के लिए भी बुरा लगता है क्योंकि वो लगभग मैच में वापस ला चुके थे पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, आई थिंक वी हैव टू स्पेयर अ थॉट फॉर मोहित शर्मा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी है पूरे, जो आई थिंक कमबैक जो करना था वो मोहित शर्मा ने करके दिखाया यहाँ पर, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हम बहुत बार ना हम जो टीम जीत जाती है ना उसकी तरफ ही ध्यान देते हैं, लेकिन उसी तरफ नहीं ध्यान देते जिस टीम ने हार गया। तो कैन दी इमोशन इधर आओ हमारे साथ, जुड़ चुके हैं रविंद्र जडेजा वहां पे मिलते हुए अपनी परिवार से, लेकिन तुषार देशपांडे हमारे साथ अजियो मैच सेंटर लाइव में। तुषार, 20 से ज्यादा विकेट, काफी सारे मैचेस में अहम योगदान, लेकिन क्या ये लम्हा, ये मोमेंट आपकी